अगर आपके पास ओवो का A38 और इस फोन में आपकी हैंग प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे आप हैंग प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है ये फोन हैंग होता है या नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपका फोन हैंग हो रहा है तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है फोन की सेटिंग में। आपका फोन का अबाउट है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जो कलर OS आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है, कहीं फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए जिसके बाद आपकी हैंग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रहते हैं इस फोन के अंदर इंस्टॉल्ड जो कि आपका इस फोन में यूज नहीं रहता है और वो आपके फोन में इंस्टॉल रहते हैं तो उनको अनइंस्टॉल करना है, जिसके लिए आपको इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करना है। अनइंस्टॉल पर क्लिक करके ये सभी एप्स हटा देना है जिनका आपके इस फोन के अंदर यूज कोई भी नहीं होता। इसके बाद इस फोन में आपको रैम एक्सपेंड का एक फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें फोन की आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं, रैम मेमोरी, इसके बाद आपकी फोन की स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। तो उसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाकर देखने को मिलेगा फोन का अबाउट, जो कि अबाउट डिवाइस नाम से मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रैम सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको 4 GB का अगर आपका फोन है तो 4 GB तक यहाँ पे और भी आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बढ़ाना है और फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है तो फोन आपका फास्ट हो जाएगा। ये सब आपने ट्राई कर लिया तो फोन का एक बार स्टोरेज भी चेक कर लीजिए। अगर आप इस फोन का 80% से ज्यादा स्टोरेज यूज करेंगे तो फोन के अंदर हैंग प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 22 GB तक यहाँ पे स्टोरेज यूज किया हुआ है और फोन का टोटल स्टोरेज है 128 GB। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लगभग आप इसका यूज़ कर सकते हैं 80 GB तक, इससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फोन थोड़ा स्लो हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे मिल सकती है। इसके बाद आपने ये सब सेट कर लिया है तो आपको एक सेटिंग बताता हूँ जिसको आपको जरूर से करना है। तो इसके लिए भी आपको फोन की सेटिंग में जाके जो अबाउट फोन है उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखते हैं पहले एंड्रॉइड वर्जन में, सॉरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वर्जन, वर्जन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है। बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करना होगा जिसके बाद एक आपका डेवलपर ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाता है। आपका जो स्क्रीन लॉक है वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा। अब आपका डेवलपर मोड ऑन हो गया है जिसके लिए आपको यहाँ से वापस आ जाना है, डेवलपर में जाना होगा तो आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे डेवलपर ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिसके बाद यहाँ से कर लेना है हल्का सा स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जब आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको विंडो एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो हम और स्क्रॉल करते जाते हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको वो डिसेबल करनी है। तो यहाँ पे आपको आने के बाद देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से विंडो एनिमेशन स्केल, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे नज़दीक देखिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ एनिमेशन ऑफ पर क्लिक कीजिए, आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। तीनों ही ऑफ कर लेने हैं और स्क्रॉल डाउन करना है और जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए सेलेक्ट कर देंगे। अब आपके फ़ोन के अंदर कोई भी हैंग प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप देखेंगे आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट चलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी आपका फ़ोन हैंग हो रहा है तो फोन का लास्ट स्टेप रहता है फ़ोन को रीसेट करना। रीसेट करने में फ़ोन का जितना भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ़ोन का कोई भी इंपोर्टेंट डेटा है तो वो आपको पहले सेव करके रखना है। इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग में आना है, फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक करना है। रीसेट फोन पर क्लिक करेंगे और इरेस ऑल डेटा पर क्लिक करके जो भी स्क्रीन लॉक आपका है इस फोन का वो आपको डालना है और इरेस ऑल डेटा पर क्लिक करके आपको ये फोन रीसेट कर देना है, जिसके बाद फोन आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑन होने में लगभग 10 से 15 मिनट ले सकता है, जिसके बाद आप इसको दोबारा से सेटअप करके यूज कर सकते हैं। आपके फोन की कोई भी हैंग प्रॉब्लम होगी वो फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन की हैंग प्रॉब्लम को फिक्स आप कर सकते हो।